शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अंजलि और यश अपने हनीमून के लिए पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि वो दोनों कहाँ गए? क्योंकि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। यश ने वहाँ की रील बनाकर डाली थी सोशल मीडिया पर। मैं आ रहा हूँ अंजलि। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमने आपके कमरे में कैमरा लगा दिया और उसकी रिकॉर्डिंग ये है। दो घंटा है तेरे पास, अगर दो घंटे में 10 लाख रुपए नहीं दिया था तो अपलोड कर दूंगा वीडियो। अंजलि जल्दी से फर्स्ट एड किट लेके आओ, कोई कपड़ा हो तो वो भी ले आओ। तुम्हें लग रहा होगा ये सब मैंने किया है, मैं इतना भी कमीना इंसान नहीं हूं। पहले पता करो कि उन लोग की बातों में कितनी सच्चाई थी। उन्होंने कोई कैमरा वैमरा लगाया भी है या बस वही तुम लोग को डरा कर पैसे वसूलना चाहते हैं? वैसे यहां कोई कैमरा तो है नहीं, एक नंबर के शातिर लोग थे, तुम लोग को बेवकूफ बना के बस पैसा ऐंठना चाहते थे। पर अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, अगर वो लोग पैसे मांगने के लिए दोबारा आए तो मैं उन लोग को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये तो अच्छा हुआ कि एंड वक्त पर मैं आ गया, वरना वरना क्या पागल समझ रखा है हमें। पहले ये बता कि तू यहां आया क्यों है, और वो भी उसी वक्त जब गुंडे हम पर हमला कर रहे थे। आदित्य सच सच बता, क्या साजिश है तेरी? अंजलि पुलिस को फोन करो, मैं से अभी के अभी अरेस्ट कराता हूं। ये आदित्य कब से गायब है? मुझे तो शक है कि कहीं वो गोवा ही ना पहुंच गया। यश और अंजलि के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है वो। आप एक बार उसे फोन तो करके देखिए ना। हाँ। कब से ट्राई करता हूं। यहाँ के सारे फिटनेस सेंटर मेरे अंडर में आते हैं, उनमें से पुलिस डिपार्टमेंट का भी है। सब जानते हैं कि महीने में एक बार मैं यहाँ पर विजिट करता हूँ। यश अगर मुझे ये सब कुछ प्लान करना होता ना, मैं खुद ही मार नहीं खाता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा यह आना इत्तफाक है? जब मैं अपने होटल रूम में था तो मैंने गुंडों को बातें करते हुए सुना कि वो किसी को ब्लैकमेल करने जा रहे हैं, और जब मैंने उनका पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो तुम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बचाता कैसे मैं? भाई जो हो तुम मेरे। अच्छा आज जिसे अपना भाई कह रहे हो, कल तक तो उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे थे। मुझे बस किसी भी तरह गर्ग हाउस पे घुसना था, इसलिए मैंने इतना टांड अप किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मुसीबत में अकेला छोड़ दूं। चलो भाई भले ही ना मान, फ्रेंड्स तो बन सकते हैं। कोई बात नहीं, जब यकीन हो जाए तब हाथ में ला लें। हेलो। हाँ छोटी नानी, मुझे पता है आप सब लोग परेशान हो रहे होंगे कि मैं कहां पर चला गया। मैं गोवा में हूं और वो भी यश के साथ हूं। आदित्य तो गोवा पहुंच गया, वो भी यश और अंजलि के पास, कहीं वो उन दोनों को परेशान ना कर रहा हो। छोटी नानी आप लोग बिल्कुल परेशान मत, एक्चुअली आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हम भाइयों ने आपस में दोस्ती करनी। आप लोग अब निश्चिंत रहिए, ओके?
बाय। यश और आदित्य के बीच दोस्ती हो गई? क्या? ये कैसे हो सकता है? कहीं उसके कोई नई साजिश तो नहीं है? जी, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और हम अब क्या? हादसा हुआ, लेकिन उस हादसे से हम निकल भी तो गए, और वैसे भी हमें अपना साथ तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यश जी, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ उस आदित्य का किया था रहा है। शक तो मुझे भी यही है अंजलि, लेकिन मैं बस ये सोच रहा था कि अगर वो सच में हमारा बुरा चाहता तो वो गुंडों से क्यों लड़ता, और अगर लड़ता भी तो गुंडों से पिटता क्यों? जो भी हो अंजलि, लेकिन आज उसने हम पर एक कर्ज चढ़ा दिया है। क्या आपको पता है? क्या? कि आप इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हैं। सेलिब्रेशन तो बनता है। अगर तुम दोनों लव बर्ड्स की इजाजत हो तो क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूं? शोन, आओ ना। मैं ग्लास लेकर आता हूं और चेयर भी। यश जी, हमें इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं भी इसे आजमाना चाहता हूं कि आखिर इसके मन में है क्या। ग्लास लाने की कोई जरूरत नहीं थी, हम वैसे भी नहीं पीते। कोई बात नहीं, तुम हम दो भाइयों की नई नई दोस्ती की गवाह बनोगी।
ग्लास में अंदर से कुछ डालकर लाया होगा तो ध्यान रखना होगा, कहीं यश जी को कुछ पिलाना दे। बड़ी जल्दी लुढ़क गया। यश जी उठिए ना, यश जी क्या हो गया आपको, उठिए ना यश जी उठिए, हमें पता था क्या मिला है तुमने यश जी के रिंग में, क्या किया तुमने, जल्दी बोलो क्या किया तुमने, बोलो। बेहोशी का नाटक करके आदित्य के मन में छुपे सच का पता लगाना है। हम कह रहे हैं हमारे पास मत आना। क्यों मारना चाहती हूं मुझे, क्यों? मैं यश जी के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई। अरे चाहती क्या तुम? मैं क्या चाहता हूं? तो सुनो, मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूं अंजलि, कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी मां का बदला लेने के लिए किया। मैं मानता हूं कि अपने जुनून में मैंने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की हैं, पर एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने आज तक तुम्हें या यश को कुछ भी नुकसान पहुंचाया है? अंजलि, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें और यश को कभी परेशान नहीं करूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग मुझसे नफरत मत करो प्लीज। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अंजलि, मैं मानता हूं मैंने बहुत सारी बुरी चीजें की, पर अगर मेरी नीयत गंदी होती तो जिस वक्त मैंने तुम्हें गुंडों से बचा और अपने घर लेकर आया था उस वक्त मैं कुछ भी कर सकता था। और आज अभी इसी वक्त कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं नहीं करूंगा। परिवार के लिए तरसा हूं मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे अपना दोस्त बना, बस सिर्फ इतना चाहता हूं। तुम्हें अगर अब भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो ये लो, फैसला तुम्हारे हाथ में।
चलो मैं यश को कमरे में छोड़ कर आता हूँ। यश जी, इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें कि बड़ों को अपने पास नहीं बुलाया जाता, उनके पास खुद जाया जाता है। तमीज पर लेक्चर सुनने का हमारा कोई मूड नहीं है। जल्दी बोलो, क्यों बुलाया हमें यहां? इसी हाथ से आपने हमारे आदित्य को थप्पड़ मारा था ना? बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। अब आपकी इस गलती की सजा आपके पूरे परिवार को मिलेगी। हम अभी फोन करके कल सुबह बुलडोजर बुलवा लेते हैं और देखते ही देखते आपकी ये हवेली मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, सॉरी अंजलि, मुझे गलत मत समझना। आज तुम्हारे सामने अपने दिल की भड़ास निकाल कर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं मैं। अगर आप चाहती हैं कि ये घर भी बचा रहे और घर के लोग भी, तो कल सुबह होने से पहले आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, वो भी इस वक्त? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। सही सलामत आपको नंबर वन आश्रम में छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन याद रहे, आप कहां हैं ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। आप, मैं बेहोश नहीं था, सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि आदित्य का असली चेहरा क्या है। इसका मतलब है आप पूरी तरह होश में थे? बिल्कुल। अंजलि, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि ऐसे तुम्हें किसी के साथ अकेले छोड़ के मैं अपने होश को बैठूंगा? मैंने वो वाइन का ग्लास पलट दिया था। आदित्य की माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वो किसी की भी माँ के साथ होगा तो बेटे का खून तो खोलेगा ही। वो हमारे घर में अपनी माँ का बदला लेने आए, लेकिन इस मधु देवी ने नफरत का जहर खोल दिया उसके मन में। थैंक गॉड, मैंने आज यश को होश में देख लिया था, वरना पता नहीं मैं अंजलि के साथ क्या कर बैठता। अब तो यश को भी लगेगा कि मैं गलत इंसान नहीं, वो खुद ये बात अंजलि से कहेगा। वो सरफिरा जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है बेचारा। Thank you.
ए से आदित्य, ए से अंजलि, ऊपर वाले ने खुद हमारी जोड़ी बना कर भेजी। बस ये बाय से यश को मेरे बीच से निकाल के बाहर फेंकना है। चलिए अब चुपचाप यहां से निकलिए बाहर। बाहर गाड़ी आपका इंतजार कर रही है, छोड़ाएगी आपको आश्रम तक। जा रहे। कुछ याद आया? आप लोगों ने मेरी दोस्त प्रिया को इसी तरह इस घर से बाहर निकाला था। इस घर के लोगों ने जो पाप किए हैं, ये उन पापों की सजा है। हमें तो जरूर हमारे पुराने कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें कभी ऐसी कोई भी सजा ना मिले। अंजलि, तुम्हारे मन में जो उसके लिए नफरत है तुम उसे निकाल दो। हम कोशिश करके उसका दोस्त बनते हैं, शायद वो अपनी मां के साथ हुए अन्याय को भूल जाए। बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।